हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल ज्योति एजुकेशनल सेंटर। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फिनिश किया था। आज मैं आपको बताऊंगी पास्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हेन टू यूज यानी कब इसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज मींस स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में मैं आपको थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में मैं WH फैमिली को भी इंक्लूड करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज आल्सो कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके नाम में ही देखिए इसका मतलब छिपा हुआ है। पास्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस मींस कोई भी चीज कंटिन्यू होना। लेकिन क्या डिफरेंस है, जब हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात की थी तो वो करेंटली कंटिन्यू था, और मतलब इस समय चल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, पास्ट मतलब पास्ट में किसी टाइम पर जब हम उस वर्क के होने की बात करते हैं, वो वर्क करेंटली तो होता है कि कंटिन्यू, लेकिन वो पास्ट में होता है कि मतलब वो वर्क कंटिन्यू था, किसी भी पॉइंट पर वो वर्क कंटिन्यू था। जैसे मैं काम कर रही थी, I was working, यानी कि उस टाइम पर पास्ट में किसी टाइम पर मैं काम कर रही थी, वो मेरा वर्क कंटिन्यू में था। What were you doing at that time? I was working। पास्ट में कंटिन्यू होना वर्क का हम बोलते हैं उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आदि लगता है। जैसे कि इसमें देखा आपने, रही थी, वे घर जा रहे थे, यानी कि लास्ट में क्या लग रहा है, रहे थे। सीता खेल खेल रही थी, रही थी। वे घर जा रहे थे, they were going to home। आपने देखा होगा इसमें was लग रहा है, इसमें were लग रहा है, ये इसकी helping verb होती है। was कब use होता है, were कब use होता है, ये मैं आपको आगे structure में बताऊंगी tone पर ही। सीता खेल खेल रही थी, सीता was playing। when to use, कहाँ पर हम use करते हैं देखते हैं। continue during past, यानी कि continue तो होता है हमारा action, लेकिन past में, जो action past में continue रहा हो। examples, I was reading my book। just हम एक sentence कह रहे हैं, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। I was cooking food, मैं खाना बना रही थी। किसी ने कोई क्वेश्चन किया होगा ना, हम उसको आंसर कर रहे हैं। just past का हम वर्क बता रहे हैं, I was reading book, I was cooking food, I was teaching, like this। specific time means point of time, so particular time। जैसे at 8 p.m. I was sleeping। suppose one of your friend called you at 8 p.m. at that time you were sleeping, then you met your friends, he asked what were you doing at 8 p.m. I called you but you didn't attend my call, then what will you say? Oh, at 8 p.m. I was sleeping, or oh, I was sleeping at that time, like this we use, means किसी friend ने आपके call किया और आप सो रहे थे, उसका कॉल अटेंड नहीं कर पाए, जब वो आपसे मिला तो आपसे क्या पूछेगा, मैंने तुमको 8 o'clock कॉल किया था, व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, यू डिडंट अटेंड माय कॉल, तो आप क्या कहोगे, आई वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम। नाउ इंटरप्टेड एक्शन, जैसे आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने कॉल किया अगेन तो मैं टीवी देख रहा था। इसमें क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस समझिए आप, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया कि जो दो पर्सन है, एक पर्सन कोई दूसरा वर्क कर रहा है और एक पर्सन उस टाइम कोई दूसरा वर्क कर रहा है, मतलब मैं टीवी देख रही हूँ और सडनली किसी ने मुझे कॉल किया, ठीक है। और सपोज अगेन मैंने कॉल अटेंड नहीं किया तो मैं क्या करूंगी, When she called, actually I was busy in watching the TV. मैं जब टीवी देखने में बिजी था इसलिए मैंने अटेंड नहीं किया। पर्टिकुलर मैं यहाँ टाइम नहीं बता रही कि 8 o'clock, 9 o'clock, लेकिन कंडीशन बता रही हूँ। क्या कंडीशन हो गई, जब तुमने मुझे कॉल किया मैं बिजी था, मैं टीवी देख रहा था इसलिए अटेंड नहीं कर पाया। तो इस तरह से भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। नाउ
क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है जो पैरेलली चलती है, विच नेवर कट ईच अदर, मींस कोई इसमें इंटरप्शन नहीं होता. आई वॉज स्टडिंग व्हाइल ही वॉज कुकिंग. मैं सिंपली काम अपना बता रही हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं या फिर मैं पढ़ाई कर रहा था जबकि वो कुकिंग कर रहा था. यानी दोनों एक्शन पैरेलल चलते हैं, कोई भी एक्शन इससे डिस्टर्ब नहीं हुआ, कोई भी एक्शन हमारा इंटरडक्शन नहीं हुआ. सपोज टू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या टू चिल्ड्रेन है, एक खाना बना रहा है और एक पढ़ाई कर रहा है, यानी दोनों अपना काम पैरेलल ही कर रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट एनी इंटरप्शन. तो ऐसे में भी हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का. इस तरह से हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को. अब व्हेन टू यूज तो आपको पता चल गया, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में आपको यह भी पता होना चाहिए व्हेन नॉट टू यूज, यानी कि कहां पर हम यूज नहीं कर सकते कंटिन्यूअस टेंस. मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपको बताया था कहां पर यूज नहीं कर सकते. स्टेटिव वर्ब के साथ कोई भी कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता, इंडेफिनेट या परफेक्ट टेंस इनके साथ यूज किए जाते हैं. परफेक्ट टेंस आप आगे पढ़ोगे और इंडेफिनेट टेंस आप पढ़ चुके हो. स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू टाइप्स ऑफ वर्ब आर देयर, स्टेटिव एंड डायनेमिक. स्टेटिव वर्ब्स होती है व्हिच रेफर्स टू स्टेट, व्हिच डज नॉट शो एनी एक्शन. बाई डायनेमिक वर्ब शोज एक्शन, मींस जिसमें कोई एक्शन शो होता है, जो आप करते हैं उस काम को, वो होती है हमारी डायनेमिक वर्ब. और जिसमें स्टेट शो होती है, एक्शन शो नहीं होता. एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को. वी वर वॉन्टिंग टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करना चाह रहा था. शो द स्टेट, वॉट इज अ स्टेट. तो हम इसमें ये जो वर्ड वॉन्टिंग लगाया, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. नो, वी विल यूज पास्ट इंडेफिनेट. मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, मैं तुम्हें कॉल करना चाह रहा था इज रॉन्ग. समटाइम्स हम हिंदी में ऐसा बोल भी लेते हैं कभी कभी मैं ये, लेकिन नो, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी यूज नहीं होता है कंटिन्यूअस टेंस. वी वर वॉन्टिंग, नो, जैसे आई वॉन्ट आइसक्रीम, आई वॉन्टेड आइसक्रीम एट दैट टाइम. मुझे पास्ट में बोलना है, पास्ट इंडेफिनिट में आई वॉन्टेड आइसक्रीम एट दैट टाइम, रेदर देन आई, व्हाट आई विल से, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लव टू ईट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, ठीक है. या फिर अब आप लोग बताइए, आई वॉज लविंग टू ईट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद था. लव इज अ स्टैटिक वर्ड. जो भी हमारे इमोशनल वर्ड होते हैं ना, वो स्टैटिक होते हैं, जैसे लव, हेट, इस टाइप से. लव, हेट, वॉन्ट, नीड, लव, हेट, ये कैसे शो करते हैं इमोशन. इनके साथ कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते. जैसे कि आई हेट यू, नो, आई वॉज हेटिंग यू, आई हेटेड, like this. So I love to eat chocolate. This is correct and this is wrong. No, we cannot use was and ing. It is a continuous form. Again, I am saying we cannot use continuous form with the stative verb. We use either indefinite or perfect. Okay. अब जैसे कि एक और example चलिए मैं देती हूँ. I wanted ice cream at that time. मुझे उस टाइम आइसक्रीम खाने का बहुत मन था, यानी इस टाइम मैं आइसक्रीम चाहता था. I wanted ice cream at that time. This is correct. But I was wanting ice cream. This is incorrect. कुछ स्टेटिव वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जिनके साथ हम कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते हैं. Like, love, hate, want, need, prefer, know, realize, suppose, understand, believe, belong, consist, depend, seem. अच्छा, अब मैं बात करूंगी have की. Have एक ऐसी stative verb है जो मैंने present continuous में आपको example देकर भी बताया था, जो as a stative verb भी use हो सकती है और as a dynamic verb भी use हो सकती है. और ये आपको sentence से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर state show हो रही है sentence की, यहाँ कोई action show हो रहा है. जैसे I was having car, this is wrong. But I was having dinner at night yesterday, it is right. Because I was having dinner means I was eating dinner, I was doing some action.
having is showing some action, and I was having car. No, it's showing a state. It was showing a state. Okay, so इसका कोई भी rule नहीं है. ये कुछ कभी-कभी static verb जो होती है, इसमें से have बहुत ही common use होती है. वो आपकी ऐसा dynamic verb भी use होती है और ऐसा static verb भी use होती है. और sentence के according आपको समझना पड़ेगा. अगर वो static verb है, तो वहाँ पर हम continuous tense को use नहीं कर सकते. अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. पहले भी मैं आपको हर बार बताती हूँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड होता है, नॉट का यूज नहीं होता, और ना ही हम क्वेश्चन पूछते, जस्ट अ आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर आंसर टाइप सेंटेंसेस. इट्स जस्ट अ आंसर टाइप सेंटेंसेस, इसमें आप आंसर देते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस मींस हर किसी बात को नेगेटिव में कहना, यानी इसमें नहीं लगा देना, नॉट का यूज करना. और इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना. तो आइए सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट, वाज या वर, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है. याद कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज आर एंड एम. इसमें ओनली टू हेल्पिंग वर्ब है, वाज एंड वर प्लस सेम. कंटिन्यूअस में कोई भी कंटिन्यूअस हो तीनों में से, सब में हम मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे. इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं देखना है, प्लस रिमेनिंग पार्ट या ऑब्जेक्ट. जैसे मैं हम अपना पार्ट याद कर रहे थे, ठीक है. तो सेंटेंस के लास्ट में देखिए रहे थे, ठीक है. ये तो उसकी पहचान मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दूं जब वी. अब वी के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज लगेगी या वर लगेगी. जो भी हमारी सिंगुलर आइटम्स होंगे या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वाज आएगा, और प्लूरल के साथ हमेशा वर आएगा. इसमें यही रूल फॉलो होता है सिंगुलर के साथ. तो अब ये वी सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल तो हम क्या यूज करेंगे, वाज या वर. वी वर लर्निंग अवर लेसन, हम अपना पाठ याद कर रहे थे. और लर्न इज मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या लगा दिया हमने, आई एन जी. वह बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट. ही क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ वर्ब नहीं यूज किया. क्या यूज किया है, वॉज, गो. गो के साथ क्या लगा दिया, आई एन जी, टू मार्केट. यह लड़की क्लास में शोर मचा रही थी, यह लड़की की, दिस गर्ल. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन गर्ल, सो वी विल यूज वाज. दिस गर्ल वाज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास. शोर क्या होती है, नॉइज, और मचा रही थी. जब भी हम शोर मचाने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम वर्ब को मेक यूज करते हैं, यानी मेक में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी. दिस गर्ल वाज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास. जैसे बोलते डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, तो मेक अ नॉइज, ये हमेशा साथ में चलता है. शोर मचाना मतलब मेक अ नॉइज. जैसे कि झूठ बोलना, टेल अ लाई, टेल बोलना और झूठ लाई, इसी टाइप से शोर मतलब अ नॉइज एंड मेकिंग. दिस गर्ल वॉज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास. तो इस टाइप से आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस में फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ब, वाज एंड वर. अब मैंने यहाँ पर अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस लिख दिया है. नेगेटिव मींस जिसमें नॉट यूज होता है, तो हम स्ट्रक्चर में भी नॉट लगा देंगे. तो नॉट हमेशा कहाँ लगता है, नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी सब्जेक्ट, वाज और वर के बाद. नॉट कहाँ लगेगा, वाज या वर के बाद. और सेम स्ट्रक्चर आपका रहेगा, हर टेंस में ऐसा ही होता आ रहा है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है. तो देखते हैं इसको भी नेगेटिव बनाते हैं. हम अपना पार्ट यार, अगर हमने यार नहीं लगा दी, इसको नेगेटिव बना दिया, नहीं कर रहे थे, तो कहां मैं नॉट लगाऊं, वी वर नॉट लगा दिया ना, वी वर नॉट लर्निंग अवर लेसन. वह बाजार जा रहा था, यानी नहीं जा रहा था. अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट. He was not going to market. इसका देखिए स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है अफर्मेटिव में, बस नॉट नहीं लगता, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है. बहुत ही सिंपल होता है कंटिन्यूअस टेंस,
यह लड़की क्लास में शोर मचा रही थी, यानी कि शोर हमने अब क्या बना दिया इसे नेगेटिव। देखिए मैं आपको नेगेटिव, आपने हर टेंस अभी तक आप मेरी वीडियोस देखते आए हो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी फिफ्थ टेंस जो हमारा चल रहा है, थ्री इंडेफिनिट के और कंटिन्यूअस का सेकंड टेंस, सब में मैं नॉट नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव से ही बनाती हूँ, जिससे आपको ये ना लगे इसका रूल कोई दूसरा है, इसी में ही बस नॉट लगा देना है। अफर्मेटिव आपने सीख लिया ना तो आप इंटरोगेटिव सब सीख जाओगे, बस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है ठीक है। इसमें बस इतना ही चेंज होता है, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट हो जाती है सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, या मेन वर्ब में चेंज हो जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहते हैं, बस जो हेल्पिंग वर्ब है ना वही घूमती रहती है। तो दिस गर्ल मैं नॉट कहां लगाऊंगी, वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, इसलिए मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, बस अफर्मेटिव कर लिया ऐसा, बस नॉट नॉट लगा देना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी यस और नो टाइप सेंटेंसेस की। इनको यस और नो टाइप सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका आंसर हम केवल यस और नो में दे सकते हैं। जैसे क्या वह घर जा रहा था, तो वो क्या कह सकता है, यस, इससे हम समझ जाएंगे यस ही वॉज गोइंग टू होम ठीक है। क्या तुम पार्क में खेल रहे थे, अगर हम नहीं खेल रहे थे तो नो, खेल रहे थे तो यस, इसलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं यस और नो टाइप सेंटेंसेस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, और ये सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं, और इंग्लिश में ये सेंटेंसेस सिंगल इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हर में यही हुआ है, इन सिंगल इंटरोगेटिव हो डबल इंटरोगेटिव सबका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और मेन वर्ब चेंज हो जाती है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आ रही थी, तो पहले क्या लग जाता था इज आ रहे, इसी तरह से होता है अभी तक, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब में कंटिन्यूअस में कहीं भी हो मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं एग्जांपल्स, क्या वह घर जा रहा था, तो वह सबसे पहले सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है वॉज लगेगा या वर लगेगा, सिंगुलर है ही तो क्या लगेगा वॉज, तो हम वॉज से स्टार्टिंग करेंगे वर से नहीं, इसमें आपको देखना पड़ेगा वॉज, इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद जाने की गो, और इसके आगे हम लगा देंगे आईएनजी गोइंग टू हाउस। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, क्या तुम पार्क में खेल रहे थे, तो यू, यू इज अ सब्जेक्ट एंड यू इज प्लूरल, सो वी विल यूज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब, सो वी विल स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम वर, वर इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी इन द पार्क, सब में यही है स्ट्रक्चर ठीक है। सब्जेक्ट उसके बाद आता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है सिंगल इंटरोगेटिव में ठीक है, तो वही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और वर्ब की फॉर्म में चेंज होता है। तो अगर हम इसमें मैं नेगेटिव भी लगा दूं तो बताइए, इसमें आप लोग बताइए, अब इतने सारे आप टेंस पढ़ चुके हो, फिफ्थ टेंस है कि इंटरोगेटिव में अगर हमें नेगेटिव लगाना है तो कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, कहां लगता है सब्जेक्ट के बाद, अब तक तो आप समझ भी गए होंगे और सबने सही बोला होगा नॉट इधर लगेगा, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगता, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो क्या वह अगर मैं लिख दूं घर नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट, ये मत कर देना, ये मिस्टेक मत करना, अब तक तो आपको लर्न हो जाना चाहिए ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताती रहूंगी जब तक टेंस पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। क्या तुम पार्क में, अगर मैं यहाँ नहीं लगा दूं, नहीं खेल रहे थे, तो वर यू, वर नॉट नहीं, वर यू नॉट प्लेइंग इन द पार्क। नाउ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मींस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिलीज होती है ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिलीज, क्योंकि ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना डब्ल्यू और एस से स्टार्ट होते हैं, कैसे वेयर विच हु व्हेन व्हाई व्हाट हाउ मेनी हाउ मच हूज, इस टाइप से व्हाई ओके। और इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, ये अब ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ जाना पहचाना लग रहा है, अभी मैंने आपको सिंगल इंटरोगेटिव बताया था,
अगर हम इसमें से ये WH ये क्वेश्चन वर्ड हटा दें तो आप बताइए ये सिंगल इंटरोगेटिव है या नहीं। सिंगल इंटरोगेटिव ही है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था, बस डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। पूरा स्ट्रक्चर देखिए सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वह कमरे में क्या कर रहा था, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है ये, अब देखिए इस वाले क्या में और उस वाले क्या में क्या डिफरेंस है। उस वाले क्या के लिए जो क्या से स्टार्ट होते थे सिंगल इंटरोगेटिव, हम व्हाट यूज नहीं करते थे क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज होता था। वो जो सेंटेंस होते थे यस और नो टाइप होते थे। जब हम शुरू में क्या लगाते हैं क्या, इसका मतलब हम उसका आंसर केवल यस और नो में भी दे सकते हैं, इसलिए वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे सिंगल इंटरोगेटिव। लेकिन इधर क्या जो है वर्ड वो बीच में आ रहा है, यानी ये डबल इंटरोगेटिव हो गया और ये स्टार्ट होगा व्हाट से। क्या का मतलब होता है व्हाट, व्हाट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस क्या में और उस वाले सिंगल इंटरोगेटिव में जो क्या यूज होता है दोनों में डिफरेंस है। क्या व्हाट, व्हाट के पास क्या लगता है हमेशा हेल्पिंग वर्ड, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, वॉज या वर्ड, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। वह सिंगुलर, ही सिंगुलर, तो वी विल यूज वॉज, ओके। व्हाट वॉज ही सब्जेक्ट, डूइंग, ठीक है, इन द रूम, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव लगा दे तो, जैसे कि मैंने सेकंड वाला सेंटेंस नेगेटिव लिखा है, ये लगा दू तो, यानी कि नेगेटिव अगर इंटरोगेटिव है तो हमेशा कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद। यहां तो नहीं लगा दोगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, ये आ गया, तो चलो थर्ड नंबर पर नो, सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, व्हाई वर, कहां लगाऊं, नॉट, यहां पर, गुड। ओ यहां तो लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, यस यस यस। तो अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, व्हाई वर यू, ऑलरेडी रिटन, ओके, व्हाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, सिंपल हो गया। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के जो एक्सेप्शन, कुछ जो एक्सेप्शन होते हैं क्वेश्चन वर्ड, हूज, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, तो उस टेंस के साथ भी वो कैसे यूज होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, और इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपनी हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आगे भी ये टेंस कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, यू विल नेवर मिस माय वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।